इमरान खान की गिरफ्तारी होगी तो फिर हम लोग रोड्स पे होंगे। जलसे से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी होगी तो फिर गिरफ्तारी करके तो देखें, ईंट से ईंट बजा देंगे हम इन लोगों की जो इमरान खान साहब को हाथ लगाएगा। मैं खान साहब को करता था 2014 तक सपोर्ट, छोड़ा उनको। डेली सरप्राइज कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है। उनका सरप्राइज, खान साहब का सरप्राइज ये है कि उनके पास कोई सरप्राइज नहीं है। तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, पीटी के कप्तान इमरान खान ने जलसे का ऐलान कर दिया है और इसी जलसे में आवाम के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आ रहे हैं। आवाम से पूछेंगे कि सरप्राइज़ वो क्या होगा, आइए पूछते हैं। इमरान खान जलसे के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ अनाउंस करने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या सरप्राइज़ होगा? अच्छा सरप्राइज़ होगा इंशाल्लाह, इमरान विल बी बैक। उम्मीद अच्छी है इंशाल्लाह। अगर उससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी होगी तो फिर? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, हम लोग रोड्स पे होंगे। रोड्स पे होंगे, बिल्कुल। 13 अगस्त को इमरान खान जलसे के अंदर आवाम के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ अनाउंस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या सरप्राइज़ होगा? सरप्राइज़ देखें, खान साहब जो हैं वो हमारे लीडर हैं और हमेशा तो कोई भी अगर उनकी तकरीर होती है, कोई भी उनका वो ज़बरदस्ती होता है, उसमें हमेशा वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी PMLN की PDMA की हमेशा जो है वो मंजर आम पे लेके आते हैं। जैसे कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बाकायदा तौर पर वो क्लिप्स जो हैं वो दिखाए हैं जो कि मुख्तलिफ वक्तों में इदारों के खिलाफ नून लीग ने, PTI इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने, मुख्तलिफ लोगों ने बोले हैं। तो उन्होंने यही दिखाया कि सिर्फ पीपल्स पार्टी PTI ही क्यों, मतलब आप PMLN को सज़ा नहीं दे रहे, आप और को सज़ा नहीं दे रहे हैं, तो इनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें बड़ा क्लियर उन्होंने कहा, तो हर दफ़ा वो एक ख़ास इंकशाफ करते हैं और मुझे यकीन है कि 13 को भी वो अपने आवाम के सामने जो है वो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ लेकर आएंगे और हमें यकीन है कि बेटे ऐसे यकीन आप तो अच्छा ही लेके आएंगे। ये हमारा लीडर, हमें पता है सच्चा आदमी है, झूठ नहीं बोलता, इस तरह नहीं करता जिस तरह बाकी लीडर। जलसे से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी होगी तो फिर गिरफ्तारी करके तो देखें, ईंट से ईंट बजा देंगे हम इन लोगों की जो इमरान खान साहब को हाथ लगाएगा। रोड्स पे आ जाएंगे लोग, आप खुद देखेंगे। रोड्स ब्लॉक कर देंगे? नहीं, सिर्फ ब्लॉक नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही होगा और ऐसा ही कुछ रद्देमल होगा जो शायद अभी आप सोच नहीं सकते। मतलब ये पूरा मुल्क अगर बाहर लाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि पूरे मुल्क में खाना जंगी हो, तो फिर मोस्ट वेलकम करें। 13 अगस्त को इमरान खान का जलसा हो रहा है, उसमें आवाम के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्या सरप्राइज होगा? पता ही नहीं। इमरान खान को ही पता हो? आपको नहीं पता? नहीं। इसको सपोर्ट करते हो? इमरान खान को। तो फिर लीडर के सपोर्ट करते हो, उसके बारे में पता ही कुछ नहीं आपको? वो इसलिए नहीं पता चलेगा ना, सरप्राइज है। पहले इमरान खान गिरफ्तार हो गया तो? नहीं होगा इंशाल्लाह। कैसे पता? बस आपसे पूछ के गिरफ्तार करना। दिल मानता ना, दिल नहीं मानता। दिल मानता है? हाँ जी। 13 अगस्त को इमरान खान जलसे के अंदर एक बहुत बड़ा आवाम के लिए सरप्राइज देने जा रहा है, सरप्राइज क्या होगा पता है आपको? सरप्राइज यही होगा मेरे ख्याल में, जो है वो शायद हुकूमत पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर दें। अच्छा, जब तहलील होंगी तो उसके अलावा वो इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है इलेक्शन हो जाएंगे। फिर क्या होगा? इलेक्शन होंगे तो फिर पता लग जाएगा कौन बैठा हुआ हमारे मुल्क पे। कौन आएगा फिर आपके ख्याल? आप बताएं, 13 पार्टियां बैठी हुई हैं, कल इलेक्शन अनाउंस होता है, ये एक पार्टी एक निशान मिलेगा कि सबको अलग अलग मिलेगा? जब अलग अलग मिलेगा तो सब एक दूसरे को गालियां निकालेंगे। नून लीग वाले कहेंगे पीपल पार्टी वाले चोर हैं, वो कहेगा वो चोर है, वो कहेगा वो चोर है। अभी तो सारे मिलके इमरान खान को गालियां निकाल रहे हैं। यार जो भी है, मैं ये नहीं, फिर भी कौन जीत? नहीं, आप क्या कहते हैं? ये तो आवाम ने डिसाइड करना ना। अब आपकी राय क्या है? मैं आपकी मेरी राय तो है इमरान खान जीते, सीधी बात। इमरान खान जी? हाँ जी, बकाया हमारी आवाम है, सब समझदार है, हर बंदे को शौक। इमरान खान के आने के मुल्क ठीक होगा? सर पहले ठीक था, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। अच्छा, जबकि हम आज़ाद हुए हैं ना, हम तो जमहूरियत मांगते हैं। अगर जमहूरियत को काम करती है तो माशाल्लाह, कभी अदालतें खींच के नीचे उतार देती हैं, कभी फौज निकाल देती है। जलसे से नया सिस्टम हो गया है अब, अदम एतमाद जो कभी नहीं हुई थी, खुदा का वास्ता है मुल्क को। जलसे से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाए फिर तो? हो जाए कोई बात नहीं, फिर मुल्क के हालात ख़राब होंगे, उससे गिरफ्तारी करने से क्या होगा? वो तीर मार लेंगे, कल को उसकी हुकूमत आएगी फिर वो पकड़ लेगा, यही चलेगा, यही चलता रहेगा। हमारा आवाम का जो हाल है आप सब ने देख लिया, आवाम रो रही है। हाँ जी, उसको गिरफ्तार किया शहबाज़ गिल को, क्यों गिरफ्तार किया पता है आपको? यार वो किया है इदारों के खिलाफ, कहते जी बोला है तो बोला है ना, वो कहता है जी मैं ब्यूरोक्रेट अफसरान जो हैं वो काबज़ हैं, जो मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सज़ा मिलनी चाहिए सबको, जो इदारे हमारी जान है, फौज अदलिया सब की हम रिस्पेक्ट करते हैं, करनी चाहिए। हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, हमें इंसाफ भी इन्हीं अदालतों ने देना है, इन्हीं इदारों ने, हमारा मुल्क है, अब पाक फौज है हमारी,
हमारी पाक फौज ठीक है तो हम इस टाइम बैठे हुए, कसम खुदा की इतने दुश्मन है ना आपके मुल्क में, इतने बाहर के तो पता नहीं क्या करेंगे। हमारे खुद गद्दार हैं, हमारे मुसलमानों की ये तरीक बरी हुई है कि हम घर वाले गद्दार हो के अगले को मरवा दें। घर में जो बहादुर है ना, जो बोलने वाला, उसको कहेंगे यार ये दो नंबर, इसको गद्दारी करके इनको चपेटे मरवाओ, हम खुश हो रहे हो रहे होते हैं। ये हमारे मुसलमानों की बदकिस्मती है। काश हम सही हो जाएं, एक पेज पे अपनी लड़ाइयां जाती ख़त्म कर दें, करप्शन को छोड़ दें। यार जितना आपने लूटना था, मैं गुजारा था, हमारा पाकिस्तान का झंडा मैंने देख के ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। यार एक मुल्क है ये पाकिस्तान, इसको इतनी दुनिया लूटने वाली, यार ये फिर भी कायम। इमरान खान 13 अगस्त को जलसा करने जा रहा है, उसमें आवाम के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आ रहा है, आपके ख्याल से क्या सरप्राइज़ होगा वो? देखिए मेरे इमरान खान साहब तो हमेशा सरप्राइज़ ही लेके आते हैं। अच्छा। उन्होंने पहले भी सरप्राइज़ किया, आइंदा भी सरप्राइज़ ही करेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल है कि या तो वो अनाउंस करेंगे पार्टी में से ही किसी और बंदे को एज आ मिनिस्टर, ताकि नया बंदा जो है वो लीड करेगा। मेरे ख्याल से उनको ये करना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। अगर जलसे से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर अवाम का क्या रद्द अमल हो? चांसेस नहीं हैं, चांसेस नहीं है। नवाज शरीफ जैसा बंदा जो मुल्क से बाहर चला गया इतना करप्शन करके, वो नहीं पकड़ा गया तो ये तो बेचारे शरीफ आदमी। कल शहबाज गिल साहब तो पकड़े गए हैं ना, गिरफ्तार हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन चांसेस कम है। अगर होता है तो आपको पता है यहाँ पर तो दंगा फसाद हो जाएगा। अच्छा, दंगा बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, आवाम बाहर आ जाएगी सड़कों पर। बिल्कुल आएगी। कि बाज गली कल गिरफ्तारी हुई है, क्या वो सही हुआ? बड़ा ज़बरदस्त हुआ भाई जान। क्यों गिरफ्तार किया? जो बोला है तो उसके खिलाफ मैं तो कहता हूँ उसको वैसे ही टांग देना चाहिए था। अच्छा। हाँ जी, टांग देना चाहिए था। टांग देना चाहिए भाई जान, जिस जहाँ पे बोला है, जैसे बोला है, जिधर बोला है उसको उधर का उधर ही टांग देना चाहिए था। वैसे इमरान खान 13 अगस्त को जलसा कर रहा है, आवाम के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या सरप्राइज? आवाम को जाना ही नहीं चाहिए, अब सबको पता चल गया वो क्या है क्या नहीं है इमरान खान, वो तो समझ लेके है ही एक फितना। जलसे से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? गिरफ्तारी भाई जान होनी तो चाहिए। अच्छा। जिस तरह उसने नून लीग वालों के साथ किया है, मरियम नवाज के साथ किया है, या बाकी जितने भी होनी चाहिए, तुसी करवा के रहनी गिरफ्तारी। असी तो भाई जान 100% होंगे करवा के ही रहनी है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो खैर ना खान साहब की कीती कराई है। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन समझ दो कि मुल्क जेड़ा सिर्फ इमरान खान ही बचा सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ना कि सारी पार्टियाँ मिल के कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि मिलके जो मशवरा होता है वो उससे अच्छा कोई मशवरा नहीं होता। अब मिलके जो मशवरा होगा, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अच्छा मुल्क चलेगा। वो तो कहते हैं कि सारे मिल गए हैं, सारे चोर मिल गए हैं, मैं अकेले सही हूँ। नहीं नहीं, पीपल पार्टी अलग है, वो अलग है, सारे मिलके मशवरा दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क ज़्यादा अच्छा तरक्की करेगा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हम डॉलर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग गया है, तो कोई फ़ायदा हो ही रहा है ना। वो इमरान खान आएगा तो उस फायदा कोई भी नहीं होना। इमरान खान को तो भाईजान भूल जाएं, भूल जाएं। वो जहाँ का है उसको वापस भेज दिया जाए जमामा के पास। अच्छा। बस खत्म, उसकी कहानी वैसे ही खत्म कर देनी चाहिए। 13 अगस्त को इमरान खान साहब का जलसा हो रहा है, उसमें आवाम के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं, वो क्या सरप्राइज होगा? वही जो पहले होते थे उनके सरप्राइज। क्या होते थे पहले? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। क्या सरप्राइज? मतलब साहब निकालेंगे वो क्या करेंगे वो मुझे बताएं। किसको सपोर्ट करते हैं? मैं खान साहब को करता था 2014 तक सपोर्ट। धरने छोड़ा उनको, यही डेली सरप्राइज कुछ भी नहीं होता। होता कुछ भी नहीं है। उनका सरप्राइज, खान साहब का सरप्राइज ये है कि उनके पास कोई सरप्राइज नहीं है। अच्छा। हाँ ये है कि हिप्नोटाइज किया हुआ है उन्होंने यंग जनरेशन को, ये मतलब एक फैक्चुअल बात है। जो 16-17 साल से लेके 25 साल तक के जो नौजवान है वो हिप्नोटाइज किए हुए हैं, उनको आप जैसे मर्जी समझा लें वो नहीं समझने वाले। समझते इमरान खान को आना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अंदर? सर 10 दफ़ा आ जाए, कुछ भी नहीं। कहता हूँ कि इसी को रखना चाहिए। अच्छा। लेकिन आप मुझे बताएं पहले क्या फ़र्क पड़ा है? पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आइंदा क्या पड़ सकता है फ़र्क? आप रख लें उन्हें 70 साल के लिए रख लें। वो कहते हैं कि इतने सालों का गंद है, उसको निकालने में टाइम तो लगेगा। सर गंद किसने डिफाइन करना है? अदालतों ने करना है, या वो जो है उनके पास कोई डिवाइन रूल है कि वो जिसको चाहे गंद करार दे दें, जिसको चाहे जो पारसा करार दे दे, क्या है वो मुझे बताएं। खान साहब तो ये भी कहते हैं कि सारे पार्टियां इकट्ठी होंगी, सारे चोर इकट्ठे हो गए, मैं अकेले ठीक हूँ। नहीं, इकट्ठे होना तो जमहूरियत में कोलिशन है, हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती कोलिशन? जर्मन में देखें, वहाँ पर 14 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, तो जिन्होंने हुकूमत बना ली है मिलकर वो गंद हो गए। पहले वो अपोजिशन में भी थे एक दूसरे के, तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे ख्याल से। कल शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? शहबाज गिल साहब ने 2-4 चीज़ें गलत कही जो कि नहीं कहनी चाहिए थी, बाकी ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए मेरे ख्याल। ये बताएं उनका 2 दिन का जो रिमांड हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? नहीं देखिए, वो जज ने रिमांड दिया है, और मेरे ख्याल से मुदई भी मजिस्ट्रेट ही है, जिसने FIR मैंने पढ़ी है उसमें मुदई भी मजिस्ट्रेट ही है। अच्छा। तो 2 दिन का रिमांड अगर हो रहा है तो कार्डियो
उसके लिए जो आपके एपलेट कोर्ट अवेलेबल है, अगर आपको लगता है इफ़ देर इज़ एनी थिंग रॉन्ग, तो वहाँ पर जाके जो है आप उसको चैलेंज कर लें, उसको अपील में ले जाएँ। तो वैसे ये है कि होना ट्रांसपेरेंट चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं है कि कोई जबरी गुमशुदगी हो, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होता है, मतलब ये है जी। नाज़रीन आपने जानी है लोगों की राय, अपनी राय देने के लिए हमारे कमेंट सेशन में बताएं। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।